राजस्थान के अंदर ईआरसीपी को लेकर के लगातार राजनीति गर्मा गई है। गहलोत सरकार के 3 मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के अंदर इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट की बात कही गई थी लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर इन 3 मंत्रियों ने निशाना साधा है जिसमें महेश जोशी भी शामिल है। तो दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है और गहलोत के 3 मंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। मंत्री रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि डीपीआर गलत है तो अपने सलाहकार से पूछना चाहिए। वसुंधरा के शासन में ईआरसीपी के डीपीआर तैयार की गई थी और भाजपा की सरकार के द्वारा 2017 में केंद्र सरकार के उपक्रम वेबकूज लिमिटेड के माध्यम से डीपीआर तैयार की गई थी। उस समय रिवर बेसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीराम वेदिरे की देखरेख में डीपीआर तैयार की गई थी। श्रीराम वेदिरे वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मंत्रालय से सलाहकार भी हैं और उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को कहा था कि ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट पर कहा कि गहलोत सरकार डीपीआर में संशोधन करके भेज दे तो 2 महीनों में योजना को लागू करवा दिया जाएगा।